और अक्सर पूरे प्रदेश भर के अंदर स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा उन जगहों पर छापेमारी की जाती है जहां पर अवैध रूप से दवाइयां बनाई जा रही होती हैं। दवा बनाने वाली ऐसी ही कंपनी पर छापेमारी की गई है, फरीदाबाद की कंपनी बताई जा रही है, जहां पर संगरूरपुर में ये काम चल रहा था। दरअसल ये कंपनी बिना लाइसेंस के पिछले 8 से 10 सालों से दवाई बनाने का काम कर रही है और पुलिस के द्वारा सूचना मिलने पर टीम के अधिकारियों ने मौके पर मिले पदार्थों के सैंपल भरे और सभी सैंपलों को सील करके जांच के लिए लैब भेज दिया है। अधिकारियों ने कहा कि सैंपलों की जांच के बाद ही दवाई की गुणवत्ता का पता चल पाएगा और रिजल्ट आने के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, क्या इसका कोई रजिस्ट्रेशन है आपके पास? अब तो डेट है सारा अप्लाई किया हुआ, अब 2018 का अप्लाई किया हुआ और 1995 से मेरे पास इस पे अथॉरिटी है। आप कितने टाइम से चला रहे हो आप इसको यहाँ पे? 1995 से सर। 1995 से कोई बोर्ड नहीं लगा रखा आपने बाहर? बोर्ड में भी रिनोवेशन कराई ना मैंने, बताया लोहे का बोर्ड था तो रिन्यूअल जो अप्लाई किए मैंने सारे डॉक्यूमेंट को दे दिए हैं। पुलिस ने ये इन्फॉर्मेशन दी, हम ये यहाँ पे ये दवाइयों की फार्मेसी और हम इसमें जो आए हुए हैं, तो आप आए यहाँ पे हमारा साथ। मानसिक स्वर्ण मानसिक भस्म क्या होता है ये सोने से जो एक प्रिपरेशन होती है और इतना ही। फरीदाबाद के संगरूरपुर में दवाई बनाने वाली एक फार्मा कंपनी पर दवा नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने छापा मारा है और इस कंपनी को बिना लाइसेंस के पिछले 8 से 10 सालों से चलाया जा रहा था और पुलिस के द्वारा सूचना मिलने पर टीम के अधिकारियों ने मौके पर जो सैंपल भरे हैं उनकी पहले जाँच की जाएगी। हालांकि सैंपल को लैब भेज दिया गया है और अधिकारियों की ने कहा है कि सैंपलों की जाँच के बाद